अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आम इंतखाबात 2024 इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इलेक्शन के पूरा मनी निकाद के लिए पंजाब पुलिस की तैयारियां भी मुकम्मल। पंजाब पुलिस के 1,30,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। लाहौर समेत तमाम जिला में पुलिस टीमें आज ड्यूटी प्वाइंट संभाल लेंगी। मेरिट और सिर्फ मेरिट, मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए सुनहरी मौका। पंजाब पुलिस में 11,000 कांस्टेबल्स की नई भर्तियों का आगाज। देखिए इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का खसूसी पैगाम इसी न्यूज बुलेटिन में। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 59,553 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 3,593 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 42,893 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,888 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,149 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी में मियांवाली पुलिस के शहीद ASI शेर खान को पुलिस अफसरान और दीगर का खराज अकीदत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। आम इंतखाबात 2024 अब सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि लाहौर समेत तमाम इजला में पुलिस टीमें आज ड्यूटी पॉइंट संभाल लेंगी। आईजी पंजाब का मजीद कहना है कि इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से ज्यादा CCTV कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जाब्ता इखलाक पर मीनों अन अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। इंतखाबी जाब्ता इखलाक दफा 144 असलहा की खिलाफवर्जी, पोलिंग स्टेशन पर हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़े और इंतखाबी अमल को सबोताज पर बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। 5,577 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन्स पर इजाफी नफरी, डॉल्फिन फोर्स और क्विक रिस्पांस समेत दीगर टीमें तैनात की गई हैं। मुल्क दुश्मन और शरपसंद अनासिर को रोकने के लिए बॉर्डर चेक पोस्टों पर सख्त निगरानी का अमल जारी है। पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्म फोर्सेस, जिले इंतजामिया समेत तमाम इदारों के साथ मुकम्मल रबते में हैं। सूबाई, रीजनल, डिविजनल और CPO कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजाम की क्लोज मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पंजाब पुलिस में 11,000 कांस्टेबल्स की नई भर्तियों का आगाज हो गया है। पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को किन किन लवाजमात का ख्याल रखना है, देखिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का खसूसी पैगाम इस खसूसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब पुलिस में भर्तियों की इजाजत हो गई है। कांस्टेबल्स की 11,000 से ज्यादा सीटों के ऊपर मेरिट और सिर्फ मेरिट पर इंशाल्लाह ताला भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए बहादुर नौजवान रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पंजाब पुलिस में नया खून लेके आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि गांव में, रूरल एरियाज़ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शरीका बरादरी और झूठी गवाहियाँ हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बिला वजह बेगुनाह लोगों को FIR में नामज़द कर दिया जाता है। अब ज़रूरी है कि आप अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें। भर्ती के साथ ही, यानी जब प्रोसेस शुरू करेंगे, तो अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट खिदमत मरकज़ से हासिल करें, ताकि आपका पता चल जाए कि रिकॉर्ड क्लियर है। वरना होता यह है कि भर्ती के बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड का पोलकॉम से पता चलता है और एक लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़कों को बाद में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो जो भर्ती होने जा रही है, उन तमाम एप्लीकेंट से पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट है कि अपने खिदमत मरकज से रब्ता करें, हमारा अमला हाजिर है, और क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ जमा करवाएं। और अगर आपके करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो फिर आप फौरी तौर पे इसका अदालत से इजाला करवा सकते हैं। पंजाब पुलिस नए खून के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी, बदमाशी, गुंडागर्दी तमाम को रोकने के लिए पुरअज़म है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज मजमू तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमू तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 168, पंजाब यूनिवर्सिटी में 173 और सेफ सिटी अथॉरिटी में 180 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वाक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल,
महफूज लाहौर। पंजाब पुलिस अपने शहदा को नहीं भूलती। मियांवाली पुलिस के शहीद एएसआई शेर खान की बरसी के मौके पर पुलिस अफसरान की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी में शहदाए पंजाब पुलिस को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। आरपीओ सरगोधा रीजन शारिक कमाल सदीकी और डीपीओ मियांवाली मतीउल्ला खान की खसूसी हदायत पर शहीद एएसआई शेर खान की बरसी के मौका पर डीएसपी सर्कल मूसा खेल कैसर अब्बास गुजर ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। शहीद एएसआई शेर खान 2009 में कुदरताबाद चेक पोस्ट वहां बछना पर तायुनात थे। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया और चेक पोस्ट को बारूद से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में आप शहीद हुए। डीपीओ मियांवाली मतीउल्ला खान का कहना है कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, इनके खानदानों की देखभाल हमारा फर्ज है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के सोशल मीडिया पेजेस।